ओम शांति। 22 अगस्त 2023 की साकार मुरली है। ज्ञान के सागर, प्यारे मीठे बाप दादा, हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। प्रश्न, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? बाबा उत्तर देते, कई बच्चों में रूठने की आदत है, बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है, तो बच्चे मुरली मिस करते हैं। बाबा कहते, देखो जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। डबल अंडरलाइन। गीत है महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को शमा भी कहते हैं, नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंज गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो, क्षमा आई है। ये महफिल तो बहुत बड़ी है, कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम तो बाप के हैं, है ना सभी शिव बाबा के? कहे हाँ जी बाबा। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा, शरीर के साथ ही ताल्लुक अर्थात नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया है। तुमको राजयोग सिखलाने लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है, महफिल में आए हैं। तुम्हारे में भी कोई पूरा पूरा जानते हैं तो कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। ब्रह्मा बाबा क्रिएशन है ना, रचना है। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं जरूर, मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट का एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परमपिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर है। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं, पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होती है, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं है। सभी सुख में है तो दरकार ही नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है ना पतित पावन। ये है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है ना, उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं, सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में, उनकी महिमा कितनी भारी है, शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है।
वैकुंठ की कैसी स्थापना करते हैं? जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का देखते हैं। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छुड़ाती नहीं है। सोचते भी है ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करे, जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। ये तो पतियों का पति है, बाबा है ना पतियों का पति, अर्थात मनुष्य चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सभी का पति बाप ही है, आत्माओं का तो पिता वही है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए, ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं, तेरी महिमा अपरम अपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती है? कोई शरण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं, बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजक से बहिष्ट बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है, भल अशोका होटल के सुख आदि है, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए है ना। ये है मृग तृष्णा समान राज्य, पाई का भी इसमें सुख नहीं है, दुख ही दुख है ना सभी अनुभवी कहे हाँ जी बाबा। सत्युग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितने दुखी है, कितना हाँ? अभी देखो बाबा क्या क्या करप्शन आदि है सब गिनाते हैं, कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था, भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम तो चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते उनका नाम रूप है नहीं, कहते भी है परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी है, परंतु देह अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी है तो बिगर समझ गाते हैं। तुम मात पिता तुम समझा सकते हो, लौकिक मात पिता तो है ना, फिर ये कौन से मात पिता है जिनका गायन करते हैं। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हों को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं, शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी है। ये देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम भेंट करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है, तो ये शिवाय नमः गीत तो जरूर रखना चाहिए, दो चार गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं, मेरी दिल तो बहुत होती है कि बाबा की याद रहे पूरी कंटिन्यूटी में खाते वक्त, परंतु बीच बीच में भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं शिव बाबा तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, उनको ये नहीं आता कि ये अच्छा है वा बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं, भारत का अब देवाला है ना, फिर तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ,
इंसॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो ये शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर वन उनकी महिमा है ना, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, फिर वह गए कहाँ, माया की कैसे प्रवेशता हुई। सत्युग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहां होती नहीं है ना, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रालब्ध तुम पाते हो, तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं है, पाप करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, बात मत पूछो, वहां तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था, जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था, बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है, है ना, सभी का टेंशन कहे हाँ जी बाबा, डर रहना चाहिए, अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुखवंशावली बनाए, उनको श्रेष्ठ बनाते हैं, जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े ना, कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है, ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्ध इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे, बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ, फिर पुनः शिव ही बनते हैं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा बाबा जानते नहीं थे, फिर शिव बाबा ने समझाया। ये है ज्ञान कांड, ज्ञान बाप ही देते हैं ना, कहे हाँ जी बाबा, फिर वहां भक्ति का नाम निशान नहीं, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है ना, आधा कल्प भक्ति कांड आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। ये भी ड्रामा में नोंद है, पतित बनना ही है, बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं, गाते भी है भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो, जो भी मित्र संबंधी आदि है सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहां दैवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी, अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र है ना, जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं, जैसे गुड्डियों की पूजा करते हैं, बाबा कहते मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार, गुड्डा और गुड्डी मनुष्य है, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, सुख की महिमा अपरम अपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा तो बाप से लेना है ना, ये है अविनाशी ज्ञान रत्न पढ़ाई है ना, बाबा ने बड़ा सहज समझाया है, भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो ना, इसमें नुकसान की तो कोई बात नहीं है, बाकी हाँ पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है, सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे, मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए, अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे, बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को
दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, कभी सभी कर रहे हैं ना पुरुषार्थ, कहे हाँ जी बाबा। दिल से पूछना है, किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूं बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे, तुम ब्राह्मण कुलभूषण को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारण कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह बक्तावर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का, मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। रिकॉर्डिंग्स होती है टेप में या फिर अभी तो ऑनलाइन के द्वारा। तुम नहीं सुना सकेंगे हाँ, जो टेप्स होती है वो एक्यूरेट सुनाएंगी। तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वह जिनको इसके रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना और मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहां रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो ये पक्का है ना, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे लकी ज्ञान सितारों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, शरीर में होते सबसे तैलुक अर्थात नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। आज का मीठा वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो आज का सोमान, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। विश्लेषण, आप सब के निजी संस्कार अटेंशन के है। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन न हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेंगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास सुबह 5:45। ओम शांति।